वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, सचिन रक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया भाई अपनी ऑटो एक्सपो की। तो आज अपने ऑटो एक्सपो में हम आए हुए हैं, पूरी एक्सप्लोर करेंगे, हॉल टू हॉल घूमेंगे। यहाँ पे हॉल नंबर 9 है, यहाँ पे हॉल नंबर 14 है, यहाँ पे 15 है। हॉल टू हॉल घूमेंगे, जितने भी ब्रांड्स होंगे भाई सारे दिखाएंगे। यहाँ पे अपना ये हुंडई पवेलियन है, यहाँ पे हुंडई का है इसमें ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी ऊपर यहाँ पे बाइक्स का है। तो पूरा का पूरा ये एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वैसे इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ देख के आए हूँ, तो अभी इन गाड़ियों को देखने का मन तो नहीं कर रहा, बट साहिल ने फोर्स किया तो मैं इसलिए आ गया। बाकी यहाँ पे अपने को गोल्ड एडिशन देखने के लिए मिला है, जिसमें अपनी समवेयर थोड़ा सा गोल्ड वर्क हुआ है अलॉयज में, एंड कुछ गोल्ड गार्निश लगी हुई है, नीचे स्किट किट लगी हुई है जो कि हम अपना लगाते हैं। हम सिल्वर देते हैं, इसमें गोल्ड है और ऊपर भी यहाँ पे गोल्ड है, तो नॉट एन मेजर, कुछ बहुत खास नहीं है। ये भीड़ आप देखो, ये है अपनी भीड़ जिसका मैं कई सालों से इंतज़ार करते करते मेरा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और अभी मैं गिर जाता। माय गॉड, टू डोर्स में ना निकालते हुए, थ्री डोर्स में ना निकालते हुए फाइव डोर्स में निकाल दी अपनी जिमनी, जिसका भाई मैंने बहुत इंतज़ार किया। ये अपनी जिमनी जिसने जिप्सी की जगह ले ली है, और जिप्सी ने भाई करीबन कितने साल में बोलूँ, 19, 30, 32 साल राज करा है भारत के दिलों पे, और उसकी जगह भाई ये आ चुकी है। समवेयर प्लास्टिक यूज़ हो गया है अभी की ऑफ रोडिंग कार्स में, और बट लुक यार मेरे को ये हमेशा सही, जैसे कि जिप्सी मैंने यूज़ की है तो जिप्सी मेरे को इतनी अच्छी लगती है, उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है। बट आई डोंट नो या आई डोंट थिंक कि ये थार को डिफीट कर भी पाएगी, थार ने अपनी बहुत तगड़ी जगह बना ली है। बट जो जिप्सी लवर्स है वो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, जितने भी जिप्सी लवर्स है और या फिर मारुति लवर्स कह लो या फिर जैपनीज लवर कह लो, वो इसे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं भाई। स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस फाइव डोर वाले में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बूट स्पेस आप देख लो, यहाँ पे बूट लाइट मिलेगी जो अपनी नॉर्मल मिलती है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आई थिंक हर कोई भाई सोचा होगा कि ये एडजस्टेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत और एडजस्ट शायद हो जाती है, यार हो तो जाती है, दो हुक्स है इसमें, ये हो गई तो ये इतनी डिक्लाइन हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये भी देखो भाई इतनी डिक्लाइन हो जाती है, उसके बाद भी अपने को इतना बूट स्पेस, ठीक ठाक बूट स्पेस मिलेगा। फाइव डोर्स की एक ये ही खासियत है। बाकी इसकी जो रियर लुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, एक बार आप रियर लुक भी चेकआउट करो। टायर साइज़ की यार बात करें समवेयर तो अपने को टायर साइज़ कहाँ पे मिलने वाला है इसमें, जो कि बहुत ही मेन रहने वाला है, यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। एंड 195/80 R15 टायर साइज़ 195, यार ये बलिनो में आता है ये टायर साइज़ जो कि इसमें अभी दिया गया है, और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है कि लाइक जिप्सी में बहुत जगह थी, इसके अलावा जिप्सी में काफ़ी जगह दी गई थी, बट इसमें हम वो जो जैसे जिप्सी में अराउंड सबसे हाईएस्ट 295 तक जाता था, वो वाला टायर इसमें नहीं लग पाएगा मेरे अकॉर्डिंगली, शायद लग भी जाए बट बहुत ही कम है, कम से कम 215 तक तो होना था इसमें टायर साइज़, टायर विथ बहुत कम है। बाकी ये यार लुक काफ़ी अच्छी है इसकी साइड की भी, ये आप एक बार चेकआउट करो, और हाइट भी ज़्यादा नहीं है, लाइक मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। और जो इसका एंटीना है ना बिल्कुल एक कॉर्नर पे दिया है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो जी वैगन से हल्की सी ये वाला जो कर्व चुराया है ना, इसी के ही पैसे हैं भाई, ये जी वैगन से लुक चुराया हुआ है, जो कि नीचे अलग है और ऊपर अलग है। बाकी ये भाई काफ़ी लुक काफ़ी अच्छी है यार इसकी भी, एक नंबर। लदे पड़े हैं ना इस पे, कि क्या ही बताऊँ मैं, हिल रही है गाड़ी, जैसे वो डांसिंग कार होती है ना पीके वाली, वो वाला हाल हो रखा है इसका। एक बंदा उतरता है दूसरे की बारी आ जाती है, आधे तो तर ही नहीं रहे। पैनल्स बहुत छोटे हैं, बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, जो बलिनो में पावर विंडो के स्विच आते थे वो इसमें यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, और स्पीकर साइज़ भी बहुत छोटा लग रहा है,
डोर पैनल बेसिकली बहुत ही छोटा है, बाकी स्पेस ठीक ठाक है और बढ़ने के लिए भी ठीक ठाक है यार। 6 फीट तक का बंदा आराम से बैठ सकता है। थार साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है, थार साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है बट स्पेसियस नहीं है। ये साइज में छोटी है बट स्पेसियस है, स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा इसमें आपको। मैं पीछे बैठा तो लेग रूम काफ़ी अच्छा है इसमें। बदल के आती है कॉन्सेप्ट भी आती है। इस एंगल से SUV है भाई। भाई एक बार अभी फाइनली एक लुक दिखा देता हूँ अपनी कॉन्सेप्ट कार का, जिसमें जो लाइटिंग्स में लाइट दे रखी है और आगे DRLs है। समय समय थोड़ी बहुत बॉडी लाइन सेम होगी बट रिलेटेबल लुक होगी, बट काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार है भाई। चिमनी खड़ी है अभी, सब हर कोई ऐसी है ना, तो अभी बिल्कुल प्रॉपर लुक आ रही है। देखो भाई आप गाड़ी वाड़ी में देखो लाइटिंग। And now that story continues, where we imagine the next in SUV. ये भी अच्छा है। Bold new technologies that shape the future. With an accelerated dashboard. That makes a statement in bold line art. Doesn't just leave its mark. It challenges the status quo by discovering a new expression of design. Modern. कहीं ना कहीं हल्की बहुत विटारा से रिलेट करी है बट छोटी है। ब्रीजा को डिस्कंटिन्यू करके इसको लिया है तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी यार ब्रीजा से आ जाए, ब्रीजा का CNG वेरिएंट भी मैट कलर आता है आपको। तो भाई ये कुछ मैट कलर्स आए हैं अपने ब्रीजा में। ये अपना ग्रे कलर है, ग्रे मैट काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अभी अच्छे अच्छे कलर्स दे रही है यार ब्रीजा। अब ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए आए हैं यहाँ पे, ऑटो एक्सपो में या मार्केट में भी आएंगे ये तो इन फ्यूचर में पता चलेगा, बट कलर काफ़ी अच्छा है। एक बार आप चेकआउट करो भाई, मैट है पूरा। और एक ब्रीजा मैंने CNG में भी देखी थी, ये वाली पे तो CNG की कहीं बैचिंग है नहीं, बट देखते हैं अगर कोई दिखती है तो। बाकी भाई है तो ये मैट तो बस जस्ट मैट दिखाना था। ब्रीजा आपने देखी हुई है ना। और ये इसका स्टिकर वर्जन है, इसमें भाई रैपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करी गई है। यहाँ पे भी रैप है, वहाँ पे रैप है, पूरी रूफ तो रैप ही है तो यहाँ पे भी रैप है। और 01 की बैजिंग है यहाँ पे। रियल लुक चेकआउट करोगे पूरी स्टिकर मतलब रैपिंग बहुत ज़्यादा है। ये रैप वर्जन है इसका, रैप एडिशन है ये देखो भाई। बाकी यार अभी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, ये इतनी ज़्यादा लोगों ने खरीद ली है कि टाइप अभी आउटडेटेड हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट है सुजुकी से, मारुति से कि इसका न्यू जनरेशन जल्दी से लॉन्च करे। अभी स्टिकर चलाने से काम नहीं चलेगा, स्टिकर लगाने से इसका काम नहीं चलने वाला है। और ये भाई अपनी वैगनार का हाइब्रिड वर्जन है ये। मैं यार शेड्स हटा लेता हूँ, मेरे को बहुत डार्क डार्क नज़र आ रहा है। ये अपना हाइब्रिड वर्जन है, बाकी मेजर कुछ चेंजेस नहीं है लुक वगैरह में, वही हल्की बहुत सिल्वर्स यूज़ किए गए हैं इसमें और फ्लेक्स फ्यूल समवेयर फ्यूल आई थिंक समवेयर लाइक बैक में। बैचिंग चेकआउट करते हैं, बस फ्लेक्स फ्यूल ही है लाइक आई थिंक ये होगी अपनी हाइब्रिड टाइप कुछ, क्योंकि इस पे बैजिंग्स भी कुछ है, स्टिकर्स भी कुछ ऐसी है, रैप वगैरह भी कुछ ऐसा ही है, नॉट एन मेजर कोई चेंज है। अपनी गाड़ी में बस ORVMs नहीं है, अगर ORVMs लग जाते हैं तो काफ़ी अच्छी लुक आ जाएगी। अलॉय तो सबसे तगड़े लगे हुए हैं अपनी में। ये भाई अपनी ग्रैंड विटारा है, ये तो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ, अभी सबसे ज़्यादा यही चल रही है अपनी मार्केट में। बाकी मैंने देख लिए जो मेरे को आपको दिखाना है भाई। ये हालांकि ब्लू लाइट चला के और भी ज़्यादा शेड अप कर रखा है, बट ये अपना मैट ब्लू
का कलर आप चेकआउट करो, ये अपना मैट ब्लू और ये अपना सीएनजी में आ चुकी है अभी ब्रीजा भी। अभी देखना है कि मार्केट में कब आती है, डीलरशिप पे कब आती है, और ये तो आई डोंट नो। बाकी ग्लाइडिंग्स वगैरह काफ़ी यूज़ है की गई है इसमें, ग्लॉस में नीचे रनिंग बोर्ड भी काफ़ी यूज़ किया है। सबसे मेन तो ये था कि इसका बूट दिखाना था, तो बूट की बात करें ऊपर यहाँ पे स्लेंडर है और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बूट स्पेस कुछ नहीं है, नीचे जस्ट इसमें थोड़ी सी स्पेस है, ये इसलिए कि ताकि आप इजीली स्पेयर व्हील निकाल सको। जो एक लाइक प्लेसमेंट की गई है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बूट स्पेस है नहीं इसमें। आप यहाँ पे ना वो स्कूल बैग्स रख सकते हो दो चार, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी में भी वैगनार, इससे ज़्यादा स्पेस अपनी वैगनार में है तो स्पेस इसमें है नहीं। हालांकि जिस हिसाब से वैगनार में प्लेसमेंट की गई थी सेम प्लेसमेंट इसमें करते तो वही सेम प्रिंसिपल यूज़ करके प्लेसमेंट करते तो इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा बनता, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर कर दिया। अगर ये थोड़ा नीचे होता और यहाँ पे अगर वो लगता तो ऊपर काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस बन जाता। सिलेंडर अगर नीचे होता और जो स्पेयर व्हील है वो ऐसे खड़ा होता तो काफ़ी अच्छा खासा इस लाइक बूट स्पेस इसमें ऊपर बन सकता था, बट बेकार कर दिया भाई, सारा मामला ही बेकार कर दिया। ये यहाँ पे अपना फ्यूल सीएनजी टैंक है, सिलेंडर है, स्पेस नहीं है। तो आज के टाइम पे यार टू बी वेरी ऑनेस्ट सीएनजी कार लेना वर्थ इट नहीं रहा, 1 लाख महंगी मिलती है और फिर ऊपर से सीएनजी भी बहुत महंगी हो चुकी है, लाइक 80 रुपये किलो है। तो उससे अच्छा था पेट्रोल ही ले लो, पेट्रोल ही चला दो, 1 लाख से 80 रुपये। तो भाई अपनी मिनी विटारा कह लो, वो ये मिनी विटारा नहीं लग रही है और बिल्कुल सेम, बहुत ही भाई कल मैंने एक्सपीरियंस करा, कल एक टॉप मॉडल विटारा आई थी भाई, बहुत ही बकवास था उसका टॉप एंड तो बहुत बकवास, देख लो इतना इतनी गट से मेरे अंदर की मारुति के हॉल में खड़े होके क्या बुराई कर रहा है। डिस्प्ले वगैरह फीचर इसमें भी आ रहे हैं। हाँ बाकी भाई इसके हेडलैम्प्स बेटर है क्योंकि 2-3 इसमें वो दे रखे हैं, ये थोड़े बेटर है। मिनी विटारा आप इसे कह सकते हो फोनेक्स को, ठीक है यार, ये टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट SUV समवे। वैसे मेरे को SUV भी नहीं लगती, ये थोड़ा सा लाइक एक लेवल अप कर देंगे हैचबैक का, तो ये हैचबैक ही लगती है मेरे को। तो SUV यार मैं बहुत मतलब सेगमेंट को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है छोटी कर करके और फिर उसे कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट का नाम दे देते हैं, तो आई एम डिसअपॉइंटेड, मेरे को पसंद नहीं आई गाड़ी। चलो भाई मैं आपको विटारा का भी दिखा देता हूँ, ग्रे कलर मैट में, ग्रे मैट में कुछ अलग ही लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो आप एक बार। बाकी ठीक है, लाइक आई डोंट नो कि अभी ये कलर्स आए या नहीं आए हैं, बस यहाँ पे डिस्प्ले में है तो ओके है, अच्छा लग रहा है। बट काफ़ी मैट कलर के लिए जा सकते हैं अगर आपको स्क्रैच फ्री रहना है तो, और कलर भी काफ़ी अच्छा है, ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो भाई एक और जिमनी अपने पास यहाँ पे आ रखी है और ये समवेयर पूरी टोटली ऑफ रोडिंग में कन्वर्ट कर रखी है। क्रोम इसका स्पेयर व्हील कवर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फ्लोर वाला मटेरियल टाइप ऑफ लगा रखा है, प्लास्टिक है बट ये टाइप ऑफ रोडिंग में कन्वर्ट कर रखी है, जिसमें डोर ग्लाइडिंग्स लगा रखी है। 5 डोर में यार स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा इसमें, बाकी ऊपर ये कैरियर्स रखे इसके। और एक बार फ्रंट की और देख लेते हैं, कुछ मेजर चेंजेस कर रखा है या जस्ट ऐसी टेढ़ी करके लगा रखी है, तो बस यही है अपने, और ये भी प्लास्टिक में है भाई, तो कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। अभी पेस्टिंग का है सारा पार्ट यहाँ पे, ये और ये सारा पेस्टिंग का है, क्रोम है, बाकी ये ग्रिल और ये दोनों कलर मैचड है, लाइक सेम में क्रोम ग्रिल है, और ये कुछ अपनी लुक है भाई। इसकी लुक भी आप एक बार चेकआउट कर लो, काफ़ी अच्छी लग रही है, टेढ़ी करके खड़ी कर रखी है यार। बाकी इसके टायर साइज़ जो है ना बहुत ही छोटा दिया है, 195 का यार,
जिप्सी में भी 205 का आता था, इसमें 195 है। एटलीस्ट समवेयर 215 तो देना था, उसके बाद भी कुछ बहुत खास जगह नहीं है। आप हार्डली 235 तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। एंड 15 इंच है, 16-17 जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये अपनी कुछ लुक है। लोग ये थार को नहीं कर पाएगी वाइट डिफेक्ट कहीं किसी भी एंगल से, बट हाँ ठीक है, अगर प्राइस रेंज अच्छा होगा तो चल सकती है मार्केट में। जिमनी की भाई अपनी जिमनी, फ्रंट लुक की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे कि जिप्सी से रिप्लेस किया गया है, तो वही सेम टाइप की ग्रिल यहाँ पे वन पीस में ग्रिल दी गई है, जो कि सेपरेटेड है जैसे कि अपनी जिमनी जिप्सी में आती थी, ऐसी जिमनी में। यहाँ पे इंडिकेटर है, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प से नीचे आपको फॉग लैम्प मिलेगा, यहाँ पे क्रोम ग्रिल मिलेगी, ये थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे आपको वॉशर मिलेगा, ऑफ रोडिंग को मेनली ध्यान में रखते हुए भाई यहाँ पे आपको वॉशर्स वगैरह मिल जाएंगे। और भाई बॉनेट वगैरह बहुत ही बिल्कुल, कलर काफ़ी अच्छा है, बॉनेट काफ़ी बोल्ड है। सबसे मेनली जो इसका भाई नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें टायर साइज बहुत ही कम दिए गए हैं, 195 80 R15 का इसमें भाई टायर साइज़ है। और अगर देखें तो भाई बहुत ही कम है, और जैसे कि अभी बैठे हुए हैं तो बहुत ही कम स्पेस रह जाता है। हाई टू हाई आप 235 तक इसमें स्विच कर सकते हैं, और 16 और 17 इंचेस तक आप जा सकते हो। बाकी ORVM की बात करें तो ORVM यार काफ़ी, जैसे कि जिस हिसाब से कार है तो उस हिसाब से काफ़ी बोल्ड ORVM इसमें दिए है। अल्टो वाले डोर हैंडल से यहाँ पे रिपेयर सेंस इसमें मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ एक बार रियर में बात करें, रियर के जो डोर पैनल से काफ़ी छोटे हैं। बाकी यहाँ पे जो पुरानी बलिनो में पावर विंडो स्विच आता था वो यहाँ पे दिया गया, इनर डोर हैंडल से वो क्रोम में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रॉल टाइप का अपना हुक मिलेगा। बाकी पूरी पीछे होने के बाद भी ये पूरी की पूरी सीट आपने पीछे, इन्होंने पीछे की है, तब भी देखो भाई कितना अच्छा खासा लेग रूम है। बाकी यहाँ पे आप लेग रूम देखो, और 11 इंचेस की भाई इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगी, हेडरेस्ट मिलेगा, दो बंदे बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं, ठीक ठाक जो दो बंदे वो बहुत आराम से बैठ सकते हैं भाई। पांचवा बंदा लाइक तीसरा बंदा नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे, बट इन केस ऑफ लाइक अगर तीन हल्के हल्के बंदे हैं तो वो भी इसमें बैठ जाएंगे। स्पीकर साइज़ काफ़ी छोटा है। और एक बार भाई आगे और बात कर लेते हैं इसमें, इसकी जो हाइट है बहुत छोटी है, अभी मेरे सर में लग गया उतरते टाइम। तो सबसे मेनली क्या है कि अगर उतरेंगे तो भाई ध्यान में रखते हुए उतरना होगा। तो भाई पूरी पीछे करने के बाद भी पीछे का लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है। वैसे अभी मैंने पीछे करी हुई है, थोड़ी आगे करता हूँ तो ठीक ठाक लेग रूम मिल जाएगा। यहाँ पे अपना वही नॉर्मल वाला स्टीयरिंग है, बाकी यहाँ पे 11 इंचेस का अपना स्टीरियो मिलेगा, और यहाँ 5 स्पीड का यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। सेम आपको इसमें 4x4 का गियर बॉक्स मिलेगा, 2H 4H 4L का। यहाँ पे पावर विंडो है और ये लॉक का है बटन। बाकी ग्लो बॉक्स में काफ़ी कम स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे एयर बैग है, ये इसके एयर वेंट्स है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेगा, यहाँ पे लाइट है भाई, सन वाइजर्स जैसे कि बहुत छोटे हैं इसके, बट ऑल अराउंड अगर देखें तो फ्रंट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बॉनट नॉर्मली दिख रहा है इसमें। यहाँ पे इसमें 11 इंचेस का दे दिया गया है, पहले ही नहीं आ रहा था ये। 180 की मैक्स स्पीड मिलेगी, 8000 का मैक्स RPM है। यहाँ पे ORVM भाई इसमें एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और फोल्डेबल भी है। जो ORVM से वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और फोल्डेबल भी है, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे। और यहाँ पे भाई ये वॉशर का बटन है, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का है। बाकी यार स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, कहीं कहीं कुछ किसी किसी चीज़ को यूज़ करने के कंडीशन में काफ़ी कम है, जैसे कि जिप्सी में भी कुछ ऐसे ही सीन्स हैं, और यहाँ पे भी बहुत कम स्पेस है। बाकी ये अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा इसमें यहाँ पे। और ये यार ये पीछे की पावर विंडो है, और ये अपनी आई थिंक आगे की है, ये आगे की है, ये आगे की पावर विंडो है, ये पीछे की है। और यहाँ पे हिल रेजिस्ट है, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, यहाँ पे USB, यहाँ पे 12V का सॉकेट है, और यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाएगी।
गियर यार बहुत टाइट है, इसके गियर बहुत ज़्यादा टाइट है। नॉर्मली अगर आप देखोगे वही रफनेस वाली फील आएगी, ऐसे लग तो रहे हैं ठीक बट टाइट है वो, वैसी कार वाली नहीं है। तो 4x4 है, 4x4 है। भाई रियर की बात करें तो यहाँ पे जिमनी की बैजिंग मिलेगी, वहाँ पे ऑल ग्रिप की है, नीचे चार सेंसर्स आपको मिलेंगे बम्पर पे, अगर आप चेकआउट कर पाओगे तो ये यहाँ पे सेंसर्स है, ये इसकी टेल लाइट है, अभी मीडिया वाले वो टेल लाइट है। और भाई ये नेक्सा पे, नेक्सा के डीलरशिप पे अवेल होगी, अभी बुकिंग इसकी चालू हो चुकी है, तो अभी जैसे कि बुकिंग इसकी चालू हो चुकी है तो आप बुक कर सकते हो, प्राइस इसके अनाउंस नहीं हुए अभी, जस्ट आप बुक कर सकते हो। बाकी ये इसकी रियर लुक है भाई टोटली पूरी।